मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में जिसमें हम आज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में हम लोग सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस ये टॉपिक मैं बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए पढ़ा रहा हूँ जिसमें जो बच्चे अभी फिफ्थ सेमेस्टर में हैं या अगर आप कोई भी डिप्लोमा होल्डर हो तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए बहुत काम का है तो आइए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस हम सबसे पहले इसका बेसिक डिस्कस करेंगे एंड देन इसके हम लोग नंबर ऑफ न्यूमरिकल्स सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला कंसेप्ट है डायरेक्ट लोड का तो अगर मैं डायरेक्ट लोड को डिफाइन करूँ द डायरेक्ट लोड इज डिफाइंड एज द लोड विच लाइन ऑफ एक्शन पासिस थ्रू द एक्सेस ऑफ द मेम्बर मतलब एक ऐसा लोड जिसका लाइन ऑफ एक्शन एक्सेस से पास होता है मान लीजिए आपके पास एक मटेरियल है दिस इज द मटेरियल एंड ये मटेरियल का एक्सेस है दिस इज द एक्सेस ऑफ द मटेरियल अगर लोड का लाइन ऑफ एक्शन देखो जैसे ये आपका एक लोड है लेट अस से लोड पी है तो ये बेटा होगा इसका लाइन ऑफ एक्शन इसका ये क्या होगा ये होगा लाइन ऑफ एक्शन अब मान लो ये लाइन ऑफ एक्शन इस मटेरियल के एक्सेस से एकदम टच करके निकल गया इट इज पासिंग थ्रू द एक्सेस ऑफ द मेंबर द लोड इज पासिंग थ्रू द एक्सेस ऑफ द मेंबर तो ये आपका लोड का लाइन ऑफ एक्शन हो गया दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड

इसको इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे टेंसाइल लोड। इसमें जो एक्शन हो रहा है जैसे ये मटेरियल है, अगर मैं इसको खींचूंगा तो इसको बोलेंगे टेंशन। और जो लोड लगाया मैंने लोड so, जिसका लाइन ऑफ एक्शन एक्सेस से पास होता है उसको डायरेक्ट लोड या फिर एक्सियल लोड भी बोलते हैं ध्यान रखना डायरेक्ट लोड हमेशा एक स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस डायरेक्ट लोड की वजह से डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है आपके कॉलम्स पे ओके okay? अब डायरेक्ट स्ट्रेस जो होता है ना वो हमेशा कंप्रेसिव नेचर का होता है ये मैंने गलत लिख दिया यहां पर इट मे बी इट इज ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर यस, इट इज ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर सी बेसिकली डायरेक्ट और का कंसेप्ट हमारे कॉलम्स के लिए है तो अगर मैं इसको कॉलम्स के लिए ड्रॉ करूं लटर से आपको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ ये मान लो एक कॉलम है ये कॉलम का एक्सेस है दिस इज द एक्सेस ऑफ द कॉलम कॉलम एक तरह का वर्टिकल में आपके बिल्डिंग्स में आपने देखाऊंगा अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कि हम लोग बिल्डिंग्स बनाने के लिए कॉलम्स का इस्तेमाल करते हैं तो कॉलम का एक्सेस है और मान लो अगर लोड सीधा एक्सेस से पास हो रहा है मतलब लोड का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अपने एक्सेस से मैच कर रहा है तब उसको हम लोग बोलेंगे एक्सियल लोड वी कॉल इट एक्सियल लोड या फिर बोलेंगे डायरेक्ट लोड या फिर उसको बोलते हैं डायरेक्ट लोड ये डायरेक्ट लोड की वजह से जो स्ट्रेस आता है ना सिस्टम में इस कॉलम में

This will be Newton, या फिर न्यूटन आपको ध्यान रखना पड़ेगा सो बेसिकली डिस्कस अबाउट डायरेक्ट लोड डायरेक्ट लोड क्या होता है एक ऐसा लोड जो सिस्टम में एक्ट होता है जो के को और एक्सेस को मैच करता है एंड वो डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है आपको सिर्फ इतना याद रखना है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका डायरेक्ट स्ट्रेस अब डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है डायरेक्ट स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस है जो डायरेक्ट लोड की वजह से आता है सिस्टम में एंड अगर हम इसको डिफाइन करें सो इट इज डिफाइंड एज डायरेक्ट लोड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया सो डायरेक्ट स्ट्रेस को हम बोलते हैं सिग्मा डी या फिर आप इसको सिग्मा ओ भी बोल सकते हैं इट इज नथिंग बट डायरेक्ट लोड डायरेक्ट लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया उसकी एरिया निकालेंगे मतलब पी बाय ए तो डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है होता है सिंपली पी बाय ए ऑलराइट इसका अगर मैं यूनिट वर्कआउट करूं तो आप देख सकते हो फोर्स अपॉन एरिया फोर्स होता है हमेशा न्यूटन में और एरिया होती है मिलीमीटर स्क्वायर में तो इसको बोलेंगे न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सो मैं यहां लिख लेता हूं इट इज डिनोटेड सिग्मा डी या फिर सिग्मा ओ से इसको डिनोट करते हैं तो डायरेक्ट स्ट्रेस एक बहुत ही बेसिक तरीके का स्ट्रेस है जो कि होता है फोर्स अपॉन एरिया या फिर डायरेक्ट लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया अब ध्यान इसमें जो स्ट्रेस आपका डेवलप होगा ना वो यूनिफॉर्म नेचर का डेवलप होगा द स्ट्रेस विल बी ऑफ यूनिफॉर्म नेचर मैं आपको इसका डायग्राम शो करता हूँ ताकि आपको इसकी क्लैरिटी आ जाए मान लो आपके पास एक कॉलम है यू हैव अ कॉलम लाइक दिस एंड डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है मतलब वहां पर डायरेक्ट लोड आ रहा होगा यहाँ पे एक लोड है डायरेक्ट लोड पी ये कॉलम का एक्सेस आ गया और एक कॉलम का एक लोड का लाइन ऑफ एक्शन आ गया जब लोड का लाइन ऑफ एक्शन एक्सेस से पास होता है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लोड डायरेक्ट लोड की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है अब आप विजुअलाइज करो कि आपके बिल्डिंग्स में जो कॉलम्स है उस पर हमेशा कंप्रेसिव लोड ही आएगा और कोई लोड तो आ नहीं सकता और ये जो डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस का कंसेप्ट है ये सिर्फ कॉलम्स के लिए पिलर्स के लिए ही वैलिड है ठीक है ये जब हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना ये हम लोग सिर्फ कंप्रेशन मेंबर्स के लिए पढ़ रहे हैं जिसमें कॉलम्स आ गया पिलर आ गया कोई वॉल आ गई इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे तो अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट स्ट्रेस की तो जब लोड एक्सेस से पास हो रहा है तो डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा तो इसका जो स्ट्रेस है ना वो कुछ इस प्रकार बनता है मतलब बॉटम में जो स्ट्रेस आता है ना वो यूनिफॉर्म तरीके का आता है वो कुछ इस प्रकार आता है मतलब हर पॉइंट पे आपका स्ट्रेस क्या रहेगा सेम रहेगा सो दिस इज द स्ट्रेस डायग्राम दिस इज द स्ट्रेस डायग्राम एंड दिस डायग्राम इज यूनिफॉर्म ये डायग्राम कैसा बनाए यूनिफॉर्म बनाए मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस जो डेवलप होता है ना वो यूनिफॉर्म नेचर का डेवलप होता है हर पॉइंट पे स्ट्रेस आपका सेम रहेगा तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेंगी कि जो भी मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूं या जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आपको अपनी कॉपी में एज इट इज कॉपी करना है ओके okay? तो सबसे पहला कंसेप्ट पढ़ा डायरेक्ट लोड का डायरेक्ट लोड क्या होता है आप सिर्फ याद रखना कॉलम्स के लिए डायरेक्ट लोड होता है ऐसा लोड जिसका लाइन ऑफ एक्शन कॉलम के एक्सेस से पास होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट लोड डायरेक्ट लोड क्या करता है डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है डायरेक्ट लोड का दूसरा नाम क्या है एक्सेल लोड बोलते हैं उसको अब डायरेक्ट लोड

ऐसा मैं आप अपेक्षा रखता हूं आपसे तो अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अब एक लास्ट चीज इसमें आपकी रह गई कि डायरेक्ट स्ट्रेस का नेचर तो पता चल गया कि वो यूनिफॉर्म नेचर का होता है बट टेंसाइल होता है कि कंप्रेसिव होता है टेंसाइल मतलब खिंचाव कंप्रेशन मतलब दबाव तो अगर कॉलम को मैं ऐसे कंप्रेस कर रहा हूँ तो उस पर हमेशा कंप्रेसिव नेचर का ही स्ट्रेस आने वाला है इट इज सब्जेक्टेड टू Compressive stress. All right? so, ये दो कॉन्सेप्ट डायरेक्ट स्ट्रेस एंड डायरेक्ट लोड अब तीसरा कॉन्सेप्ट जो कॉलम के लिए है इसका नाम है एसेंट्रिक लोडते हैं इस पर आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि डिफाइन एक्सएल लोडाइंड एसेंट्रिक लोड यू कैन सी मेनी क्वेश्चन इन दिस एरिया अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक पहले फिगर यहां ड्रॉ कर लेता हूँ लेटर से ये अपने कॉलम है कॉलम यह कॉलम का एक्सेस है मान लो ये कॉलम का क्या है एक्सेस है अब एसेंट्रिक लोड बोले तो ऐसा लोड होता है जिसका लाइन ऑफ एक्शन एक्सेस से पास नहीं होता द लोड हुइन ऑफ एक्शन डज नॉट पास थ्रू द एक्सेस ऑफ द मेंबर तो मान लो ये आपका लोड है इसको हम बोलेंगे पी ये लोड का लाइन ऑफ एक्शन है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड मतलब लोड वो लाइन से पास हो रहा है अब आप देख सकते हो एक्सिस और लोड के बीच में एक डिस्टेंस आपको दिख गया उस डिस्टेंस को हम टेक्निकली बोलते हैं सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ई e. इसको हम बोलते हैं ई e. यहां पर बेटा ई e का मतलब होता है एसेंट्रिसिटी ई e का मतलब क्या होता है एसेंट्रिसिटी तो बस आपको इतना याद रखना है एसेंट्रिक लोड का मतलब यह होता है कि जब लोड का लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास नहीं करता उसको हम बोलते हैं एसेंट्रिक लोड अब एसेंट्रिक लोड का यहां पर रोल क्या है ये सिस्टम में करता क्या है तो ध्यान देना ये सिस्टम को बेंड करता है मतलब ये कॉलम को क्या करता है लिटरली बेंड करता है अगर कॉलम आपका वर्टिकल है तो कॉलम को या तो राइट right साइड या तो लेफ्ट साइड में वो बेंड करेगा तो इसको टेक्निकली बोलते हैं इट प्रोड्यूसेस बेंडिंग मोमेंट इन द सिस्टम अब बेंडिंग मोमेंट क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो आप थोड़ी देर वेट करिए आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा मैं मैं आपको बता आगे में। के बारे प्रोड्यूस करता, करता है अब यहाँ पर मैंने क्या पढ़ा था कि डायरेक्ट लोड क्या करता है डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है ना यहां देखो मैंने देखा था दैट इट प्रोड्यूस डायरेक्ट स्ट्रेस सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हैं यहां पर ध्यान देना एसेंट्रिक लोड एसेंट्रिक लोड डायरेक्ट स्ट्रेस भी प्रोड्यूस करता है इट प्रोड्यूस डायरेक्ट स्ट्रेस एंड ऑल्सो इट प्रोड्यूस बेंडिंग स्ट्रेस इट ऑल्सो प्रोड्यूस बेंडिंग स्ट्रेस मतलब एसेंट्रिक लोड इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डिजाइनिंग पर्पज से कि एसेंट्रिक लोड दोनों तरीके के स्ट्रेस आपके सिस्टम में ला रहा है एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस बहुत खतरनाक होता है अपने स्ट्रक्चर्स के लिए क्योंकि वो सिस्टम को बेंड कर सकता है जिससे आपका सिस्टम फेल भी हो सकता है

Let us say, से अच्छा डायग्राम मैंने यहां डिस्कस कर लिया आप यहाँ से डायग्राम कॉपी कर लीजिए इसका एसेंट्रिक लोड का डायग्राम जैसे यहीं पे कॉपी कर लिया तो आप यहीं से कॉपी कर सकते हैं पी इज द फोर्स ई फॉर एसेंट्रिसिटी यहां पर एसेंट्रिसिटी का मतलब क्या है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस एंड एक्सिस एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स होता है डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ द मेंबर एंड लाइन ऑफ ऑफ एक्शन द फोर्स राइट नेक्स्ट कंसेप्ट आपको पढ़ना है उसका नाम है बेंडिंग अभी मैंने डिस्कस किया कि एसेंट्रिक लोड क्या करता है सिस्टम को बेंड करता है तो वहीं से कंसेप्ट आ गया बेंडिंग स्ट्रेस का ठीक है तो मैंने क्या लिखा पे पॉइंट मैंने लिखा है इट इज द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एसेंट्रिक लोड मतलब ये एसेंट्रिक लोड के वजह से आने वाला स्ट्रेस है उसको बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस इसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर मॉस में एक इक्वेशन पड़ी होंगी जिसको बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस फॉर्मूला वहां से ये इक्वेशन निकलती है तो मैं अभी आपको डराइव करके देता हूँ अब ध्यान देना जब मैंने डायरेक्ट स्ट्रेस पढ़ा था तो आपको मैंने बताया था कि डायरेक्ट स्ट्रेस हमेशा यूनिफॉर्म स्ट्रेस पैदा करता है मतलब उसमें जो भी स्ट्रेस आता है ना वो यूनिफॉर्म तरीके का आता है बट बेंडिंग स्ट्रेस में ऐसा नहीं होता बेंडिंग स्ट्रेस हमेशा नॉन यूनिफॉर्म नेचर का होता है द स्ट्रेस विल बी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर ये आपको याद रखना है अब इसमें स्ट्रेस कंप्रेसिव भी हो सकता है या टेंसाइल भी हो सकता है ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है इसमें जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो हमेशा कंप्रेसिव नहीं होगा या हमेशा टेंसाइल नहीं होगा कभी कंप्रेसिव कभी टेंसाइल कुछ भी हो सकता है तो दो चीज आपको याद रखनी है डायरेक्ट स्ट्रेस में जो स्ट्रेस आता है वो कंप्रेसिव ही आता है कॉलम के केस में और बेंडिंग स्ट्रेस के केस में वो कंप्रेसिव प्लस टेंसाइल दोनों भी आ सकते हैं इट मे बी बोथ ठीक है सो बेंडिंग स्ट्रेस इज अ स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एसेंट्रिक लोड इट मे भी कंप्रेसिव इट मे बी टेंसाइल इट इज कैलकुलेटेड बाय बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन जो भी मैं अभी आपका आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं ठीक है चलिए सो बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में या मॉस में आपने स्टडी किया था बेंडिंग इक्वेशन तो बेंडिंग की इक्वेशन होती है एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई यहां पर बेटा एम का मतलब होता है मोमेंट एम का मतलब होता है मोमेंट अब मोमेंट को कैसे वर्कआउट करते हैं मैं भी आपको पहले वो सिखा देता हूं जैसे कि मेरा डायग्राम है मान लो मैं डायग्राम थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ ये अपना डायग्राम है ये इसका एक्सिस आ गया एंड ये इसका लोड ऑफ लोड का लाइन ऑफ एक्शन आ गया जस्ट मैंने अभी डिस्कस किया आपके सामने कि एक्सिस और लोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है बेटा उसको बोलते हैं एसेंट्रिसिटी कॉल इट एसेंट्रिसिटी बेटा आपको याद रखना है कि मोमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट इज चीज़ है जो सिस्टम को बेंड कर रही है. कि आपको कैसे होता है आपको वो पता करने के लिए मोमेंट निकालना पड़ता है तो मोमेंट क्या होता है बेटा वो होता है फोर्स मल्टीप्लाइड विथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स मल्टीप्लाइड विथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिव यू मोमेंट तो m बराबर फोर्स यहां पे आपका फोर्स कितना है वो है P और आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से लोड के लाइन ऑफ एक्शन तक कितना मिल रहा वो मिल रहा है स्मॉल स्मॉली e. तो एम बराबर क्या होगा पी इंटू एम बराबर पी इंटू e बन जाएगा यह आपको याद रखना है मोमेंट इज पी इंटू ई ऑलवेज मैं न्यूम्रिकल्स में बहुत बार यूज करूंगा मोमेंट निकालने के लिए पी इंटू पी का मतलब है लोड ई e का मतलब है एसेक्ट्रिसिटी ठीक है अब इसका यूनिट भी देख लो इसका यूनिट क्या होता है मोमेंट का फोर्स होता है बेटा न्यूटन में होती होती है मिली में. होती है मिलीमीटर मिलीमीटर में। में। तो मोमेंट का यूनिट न्यूटन मिलीमीटर ध्यान रखना ठीक है न्यूटन मिलीमीटर या फिर इसको आप बोल सकते हो किलो न्यूटन मीटर पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स काफी गलतियां करते हैं इसमें यूनिट्स लिखने में तो आपको यह गलती नहीं करनी है मोमेंट का यूनिट आपको हमेशा याद रखना है न्यूटन मिलीमीटर या फिर किलो न्यूटन मीटर दोनों में से एक यूज करना को, है? चलो यहां तक क्लियर है तो मोमेंट मिल गया पी इन एम अपॉन आय यहां पे वाई से मल्टीप्लाई किया मिल जाएगा सिग्मा सिग्मा मिल जाएगा मैंने वाई को जस्ट यहां शिफ्ट किया बेटा इधर सो so, सिग्मा बराबर क्या हो गया एम अपॉन अब आप क्या कर सकते हो आप ना वाई को है ना आई के नीचे लिख सकते हो यू कैन राइट दिस वाई बिलो आई अपॉन वाई क्या बन गया एम बेटा इस आई अपॉन वाई को हम लोग बोलते हैं जेड आई अपॉन वाई को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग जेड बोलते हैं तो so, जेड का मतलब होता है बेटा सेक्शन मॉड्यूलस बोलते हैं सेक्शन मॉड्यूलस वी कॉल इट सेक्शन मॉड्यूलस अब मैं एक पेज ला लेता हूं यहां पर नाउ सी ये आप फटाफट कॉपी कर लेंगे जेड होता है सेक्शन मॉडल जेड कैसे आया जेड आया आई अपॉन वाई से मतलब जेड का फॉर्मूला क्या है आई अपॉन वाई एम तो आपको पता है मोमेंट होता है जेड एक नया टर्म है आपके लिए वो होता है सेक्शन मॉड्यूलस तो जेड इज सेक्शन मॉड्यूलस इट इज आई अपॉन I beta, I y, आय का मतलब होता है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय का मतलब क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम कहां से न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस टू एक्सट्रीम फाइबर टू एक्सट्रीम फाइबर अब सर ये मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये हम सब चीजें न्यूमरिकल से समझने वाले हैं अभी हाल फिलहाल आपको याद रखना है कि z क्या होता है z होता है i अपॉन वाई जेड इज आय बाय ओके तो z इज अपॉन ये आपका एक फॉर्मुला बन गया z का इसको आपको प्रॉपरली कॉपी करना है शॉर्ट में हमेशा मैं यूज करूंगा Z इज आई वाई वाई अब ध्यान देना I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका यूनिट बनता है बेटा इसका यूनिट होता है मिलीमीटर पावर फोर इसका यूनिट होता है मिलीमीटर पावर फोर ये कैसे आया ये भी मैं आपको न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा या फिर ये मीटर पावर फोर भी आप बोल सकते हो और जेड का यूनिट बनता है बेटा मीटर सॉरी मिलीमीटर पावर थ्री और मीटर का क्यूब ये एक एक चीज में आपको न्यूमेरिकल में प्रूफ करके दूंगा कि ये कैसी बनी है ठीक तो है तो अब तक हमने क्या पढ़ा सिग्मा इज एम बाई जेड जेड होता है सेक्शन मॉडुलस वो होता है आई बाय वाई सो आई बाय वाई यहां मैं लिखता हूं जेड आ गया सिग्मा बी बोले एम बाय जेड या जो सिग्मा था उसको मैं सिग्मा बी बोलता हूँ तो सिग्मा बी इज एम बाई जेड तो ये आपका फॉर्मूला बन गया बेंडिंग स्ट्रेस का इसका भी यूनिट क्या रहेगा बेटा इसका यूनिट रहेगा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या फिर कभी कभी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं ठीक है बेंडिंग स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेस हमने अब तक दो चीज पढ़ी है डायरेक्ट स्ट्रेस क्या था सिग्मा डी होता है पी बाय बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है सिग्मा बी वो होता है एम बाय जेड तो सिग्मा बी इज बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं इसको हम लोग विच इज सिग्मा बी सिग्मा बी तो चार चीजें अब तक हमने अब तक हमने डिस्कस की है पहला था डायरेक्ट लोड दूसरा एसेंट्रिक लोड डायरेक्ट स्ट्रेस एसेंट और बेंडिंग स्ट्रेस ये दो चीज आपके लिए बहुत काम की है इस पर्टिकुलर चैप्टर में

जो डायरेक्ट स्ट्रेस आ रहा है उसको बोलते हैं सिग्मा डी और जो बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है उसको बोलते हैं सिग्मा बी वी कॉल इट सिग्मा बी तो डायरेक्ट स्ट्रेस तो हमेशा कंप्रेसिव होता है तो हम लोग उसको लेते हैं पॉजिटिव कॉलम्स के केस में उसको लेते हैं पॉजिटिव और बेंडिंग स्ट्रेस या तो कंप्रेसिव है या तो टेंसाइल है तो हम टेंसाइल को लेते हैं नेगेटिव टेंसाइल को क्या लेंगे निगेटिव कंप्रेशन पॉजिटिव टेंसाइल नेगेटिव ये आपको याद रखना है

ठीक है तो सिग्मा मैक्स इज डायरेक्ट प्लस बेंड और डायरेक्ट माइनस बेंड इसका भी यूनिट सेम होगा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आप सिर्फ याद रखना कंप्रेशन को पॉजिटिव लेना है टेंशन को नेगेटिव लेना है ओके okay? चलिए आगे बढ़ेंगे अब एक और कांसेप्ट हमको पढ़ना है कि मोमेंट ऑफ इनेशियास जो हमने डिस्कस किया z होता है i बाय y तो i मतलब मोमेंट ऑफ इनेशिया उसका आ, अलग अलग फिगर्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपको वो याद रखना है तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगल शेप की आपको हेडिंग देनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेक्शन मॉडल्स के फॉर्मुलिस फॉर्मलेस फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेक्शन मॉडल सबसे पहला शेप है रेक्टेंगल तो मैं आपके सामने एक रेक्टेंगल शेप का फिगर ड्रॉ करता हूं रेक्टेंगल शेप है इसका विथ कितना है बी और इसका डेप्थ कितना है डी विथ है बी डेप्थ है डी ठीक है रेक्टेंगल का जो साइज होता है ना वो विथ होता है और डेप्थ होता है मैं आपके, आपके लिए लिख लेता हूं बी फॉर विथ और डी फॉर डेप्थ ठीक है अब ध्यान देना इसमें दो एक्सिस बनती है एक बनती है एक्स एकस एक्स एक्सिस और एक बनती है y वाई एक बनती है एक्स एक्स एक बनती है वाई वाई आपको इसके फॉर्मूले याद रखने कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब I एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस क्या होता है तो एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट होता है बी डी क्यूब बाई ट्वेल्व वाई वाई एक्सिस के अबाउट होता है डी बी क्यूब बाई ट्वेल्व दिस यू हैव टू रिमेंबर वेरी वेल कि रेक्टेंगल का

इट इज मिलीमीटर पावर फोर ठीक है तो आई थिंक अभी आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ गई होंगी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट मिलीमीटर पावर फोर या फिर मीटर पावर फोर बनता है ठीक है अब अपने को निकालना है सेक्शन मॉडल तो से सेक्शन मॉडुलस को मैं जेड बोलता हूं सेक्शन मॉड्यूलस जेड अगर आपको एक्सएक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है किस एक्सिस के अबाउट निकालना है एक्सएक्स तो आपको ध्यान देना पड़ेगा यहां पर मतलब सेक्शन मॉड्यूलते तो हैं इसका फॉर्मूला क्या था आई अपॉन आई एक्स बाय ले लेंगे है, तो आई एक्स एक्स अपॉन वाई करेंगे तो वाई आप कौन सा लेंगे इस एक्सेस से लेकर बॉटम तक का डिस्टेंस ले लो या टॉप तक का ले लो बात एक मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस एक्सेस से लेकर टॉप या फिर बॉटम तक का तो वाई सेंटर से लेकर बॉटम तक का डिस्टेंस वर्टिकल डेप्थ है, तो ये क्या हुँगा? ये क्या होगा? होगा डेप्थ का आधा, d y या आप यहां से का हाफ रहेगा तो बोलो आई एक्स कितना बी डी क्यूब बाय ट्वेल्व अपॉन वाई कितना है वो है डी का आधा

Depth का एम mm का स्क्वायर है तो यहां लिखो एम mm एम का स्क्वायर तो बनेगा मिलीमीटर mm का पावर थ्री इट इज एम क्यूब सो z का यूनिट होता है mm क्यूब नेक्स्ट अगर आपको z वाई वाई निकालना है तो आपको i वाई वाई अपॉन y यूज करना पड़ेगा अब अगर आपको वाई वाई एक्सिस की बात करनी है तो ये आपका वाई वाई एक्सिस है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हम लोग हम पर We call it y. तो यहां पर बोलेंगे यह यहां का आधा दिस इज two, this इज b, b का हाफ, तो i y y y, ये था डी बी क्यू बाय ट्वेल्व i y वाई का फॉर्मूला upon वाई कितना y इस केस में बनेगा b बाई टू ध्यान देना जब मैं x axis निकाल रहा था तो y क्या था d बाई बन गया बी बाई टू इसको मैंने सॉल्व किया तो आएगा डी बी आपको सिर्फ सिंपली याद रखना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला या फिर का फॉर्मूला दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल राइट चलिए आगे बढ़ेंगे पकड़ेंगे स्क्वायर का वी विल कंसिडर स्क्वायर ये अपना स्क्वायर बन गया अभी स्क्वायर में ये बी रहेगा और डेप्थ भी तो बी रहेगा ना क्योंकि स्क्वायर में विथ और डेप्थ एक ही होता है बी इन बी ये इसका एक्स एक्स एक्सिस तो बताओ आई एक्स एक्स और आई वाई वाई इसमें सेम ही बनेगा क्योंकि दोनों डायमेंशन सेम है इसके पहले मैंने क्या फॉर्मुला यूज किया था बी डी क्यूब बाई ट्वेल्व अगर मैं वही फॉर्मूला लगाऊ पर बी डी का क्यूब बाय ट्वेल्व तो यहां पर डी मतलब क्या है डी मतलब बी है तो ये बनेगा बी इंटू बी का क्यूब बाय ट्वेल्व तो आई एक्स एक्स बोलो आई वाई वाई बोलो दोनों का फॉर्मूला स्क्वायर के, के केस में क्या बनता है बी का पावर फोर बाय ट्वेल्व इट इज बी का पावर फोर बाय ट्वेल्व ये आपका एक कंसेप्ट हो गया सिमिलरली अगर आपको वाई निकालना है तो y क्या रहेगा इसमें आप कोई कहीं से भी निकालो ये निकाल लो y. एक्सिस से लेकर बॉटम तक का डिस्टेंस वो रहेगा b बाई टू तो दोनों एक्सिस के लिए b बाई टू ही बनेगा दिस विल बी b बाई टू तो z एक्स एक्स बोलो या z वाई बोलो दोनों सेम आने वाला है क्योंकि वो सीमेट्रिकल है. है ना i अपॉन वाई आपका i कितना है b का पावर फोर बाय ट्वेल्व और आपका y कितना है वो है b बाई टू तो तो मैं लिख लेता so so का फॉर्मूला क्या है और जेड वाय तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है आपको याद रखना है इसको थर्ड फिगर हम लोग पकड़ेंगे सर्कल वी विल कंसिडर सर्कल तो मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं एक सर्कल आ गया डायमीटर है डी थोड़ा प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लेते हैं दिस इज अ सर्कल इसका डायमीटर कितना है डी अब सर्कल भी एक तरह का सिमिट्रिकल फिगर है इसका अगर आप आई एक्स एक्स निकालते हो या आई वाई वाई निकालते हो आंसर सेम आता है वो होता है पाई बाय सिक्सटी फोर डायमीटर का पावर फोर कितना होता है पाई बाय सिक्सटी फोर डायमीटर का पावर फोर डी का पावर फोर इसमें y की वैल्यू आप कहीं से भी निकालो जैसे मान लो ये आपकी x x एक्सेस ये है तो अगर आपको y निकालना है तो y आपको यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस पकड़ना पड़ेगा वाई वो रहेगा डायमीटर का आधा देखो ना डाईमीटर टोटल डायमीटर कितना है ये पूरा का पूरा डायमीटर कितना है डी है तो उसका हाफ क्या हो जाएगा डी बाई टू जाएगा तो वाई विल बी डी का आधा तो आप निकालेंगे जब जेड एक्स एक्स निकालो या जेड वाई वाई निकालो बात एक ही है होगा आई अपॉन वाई आई भी तो एक ही आपका पाए बाय सिक्सटी फोर डी का पावर फोर और वाई कितना है वाई है डी बाय टू तो ये बनता है पाए बाय बत्तीस डी का क्यूब देखो ना ये वन टाइम कटेगा ये थर्टी टू टाइम्स कटेगा और डी डी कटेगा तो जेड का फॉर्मूला सर्कल कले क्या रहेगा जेड एक्सेक्स बोलो जेड वाई वाई बोलो दोनों सेम है तो मैं सिर्फ जेड लिख रहा हूँ वहाँ पर Z will be pi by 32 d डी काूब ये आपको हमेशा याद रखना है तो ये दो फॉर्मूला डिस्कस कराऊ ना ये हर न्यूमेरिकल में काम आते हैं इन एवरी न्यूमेरिकल यू विल सी दैट यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूलास ओके सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलास तो Z का फॉर्मूला क्या है बेटा pi बाय 32 d डी काूब इसका एक और फॉर्मूला हमको काम आता है कि इसके एरिया कैसे निकालते हैं तो सर्कल की एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना है वो होता है पाए बाय 4 का स्क्वायर। हम लोग यूजुअली स्क्वायर यूज़ करते हैं बट यहां पर इन टर्म्स ऑफ डायमीटर हमको बोलना है तो वो का स्क्वायर। तो यहां पर मोमेंट ऑफ़ का पाई बाई बाई 64 की पावर फोर अब हम बात करेंगे हॉलो सर्कल की विल टॉक अबाउट होलो सर्कल होलो सर्कल मतलब ऐसा रहेगा ये एक इसका स्मॉल डी है इंटरनल डायमीटर और एक इसका रहेगा एक्सटर्नल डायमीटर ऐसा हॉलो मतलब बीच में से खाली है और यहां पर कुछ ना कुछ थिकनेस रहेंगी टी यहां थिकनेस कितनी है टी बाजू में इसको मैं प्रॉपरली ड्रॉ कर लेता हूं इसका थिकनेस कितना है स्मॉल टी इसका थिकनेस स्मॉल टी तो यहां से पूरा भरा हुआ है एंड से बट बीच में से खाली है बीच में से पूरा हॉलो है, ठीक है तो नाउ, अगर आपको इसका आई का फॉर्मूला निकालना है मतलब अगर आपको आई एक्स एक्स निकालना है या आई वाई वाई निकालना है तो फार्मूला बहुत सिंपल है ये बीच में से खाली होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं आई बाई सिक्सटी फोर लिखा कैपिटल डी का पावर फोर उसमें से सब कर दो स्मॉल डी का पावर फोर कैपिटल डी का मतलब होता है एक्सटर्नल डायमीटर स्मॉल डी का मतलब होता है इंटरनल डायमीटर तो आई आई एक्स एक्स बोलो बोलो वाई वाई सिंपल है डायमी फॉर्मला फोर डी की पावर फोर माइनस डी की पावर फोर सॉलिड वॉल में क्या यूज किया था डी का पावर फोर यूज किया था तो यहां पर बस यूज करना है डी की पावर फोर माइनस डी की पावर फोर अगर आपको जेड एक्स एक्स निकालना है या जेड वाई वाई निकालना है तो वो होता है आई अपॉन वाई ये आपका i है पूरा तो जेड एक्स एक्स या फिर जेड वाई वाई आय क्या है i है आपका पा बायी फोर कैपिटल डी की पावर फोर माइनस स्मॉल डी की पावर फोर वाई अगर आपको निकालना है तो बेटा वाई हमेशा आउटर फाइबर से गिनते हैं मतलब यहां से गिनेंगे इधर से लेकर इधर तक का डिस्टेंस इसको बोलेंगे वाई तो वाई रहेगा कैपिटल डी का हाफ इट विल बी ऑलवेज कैपिटल डी का हाफ तो ये फॉर्मूला क्या आता है जेड एक्स एक्स बोलो जेड वाई वाई बोलो दिस इज वन टाइम दिस इज थर्टी टू टाइम्स तो बाय थर्टी टू कैपिटल डी ऊपर में महंगा डी की पावर फोर माइनस स्मॉल डी का पावर फोर तो दिस इज ऑल अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेक्शन मॉड्यूल इसमें कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको हॉलो रेक्टेंगल या फिर हॉलो स्क्वायर भी देखना है तो एक काम करता है अभी हम लोग देख ही लेते हैं उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे रेट अम बोला अगर हॉलो hollow... रेक्टेंगल है इफ यू हैव हॉलो रेक्टेंगल तो हॉलो रेक्टेंगल कैसा होता है ये इसका है स्मॉल बी ये इसका डेप्थ है स्मॉल डी फिर ऊपर से आएगा कैपिटल बी कैपिटल डी कैपिटल बी क्या है एक्सटर्नल है Capital d है external depth है कैपिटल डी क्या एक्सटर्नल डेप्थ ये बाहर का इसका डायमेंशन आ गया इसका अंदर का डायमेंशन क्या है बी बी बाय बाय स्मॉल स्मॉल डी डी और ये बीच में से खाली है ठीक है नाउ अगर आपको इसमें आई एक्स एक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे आपका नॉर्मल फॉर्मला क्या था बी डी क्यूब बाय ट्वेल्व करेक्ट नॉर्मल रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था बी डी क्यूब बाय रहेगा ये कैपिटल बी कैपिटल डी का क्यूब बाई टो माइनस क्यों क्योंकि और ये इनर वाले का ऑफ इनर्शिया दोनों को आपको सब करना है तो आपका फॉर्मला बन गया बीडी क्यूब बाई सिमिलरली अगर आपको आय वाई वाई निकालना है तो आप बोलेंगे डीबी क्यूब बाय ट्वेल्व माइनस स्मॉल डी बी क्यूबाई टे आपके दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है टू आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर मान लो आपको जेड एक्स एक्स निकालना है तो आप यूज करेंगे आई एक्स एक्स अपॉन वाई ये आपका आई एक्स एक्स बनेगा एक्सएक्स एक्सेस अगर आपको इसका वाई निकालना है तो एक्सएक्स एक्सेस से लेकर बॉटम या टॉप का डिस्टेंस आप देख सकते हो तो ये हो गया वाई तो वाई वाले केस में क्या बनेगा वो बनेगा कैपिटल डी का आधा कैपिटल डी उसका आधा बनेगा वाई आई एक्स एक्स जो कि आप ऊपर से कॉपी कर सकते हैं अपॉन कैपिटल डी का आधा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कभी कभार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि हॉलो रेक्टेंगल का अगर आपको मोमेंट ऑफ रेशन निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं सिमिलरली जेड वाई वाई वो होता है आई वाई वाई अपॉन वाई Y axis के लिए y क्या रहेगा? रहेगा देखो ये y y आपकी, तो इस का आधा, तरीके से हम लोगों ने सभी सेक्शंस के मोमेंट ऑफ वर्कआउट किए एंड जेड के फॉर्मूले चेक कर लिए अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक छोटा सा डायग्राम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग डायग्राम्स कौन से कौन से बनते हैं बेंडिंग स्ट्रेस के या फिर डायरेक्ट स्ट्रेस के एंड देन उसके बाद हम लोग इसके न्यूमरिकल्स स्टार्ट करेंगे न्यूमरिकल्स में इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जगह से अगर एक टॉपिक है तो उसमें एक टॉपिक में कम से कम पंद्रह से बीस न्यूमरिकल्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एग्जाम के टाइम पर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ थैंक यू सो मच